स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। कुंडली भाग्य में गुरप्रीत प्रीता को घूमने से रोकता है और उसे अपने कमरे में आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रीता घर पर पुलिस को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सवाल करती है कि वो उसके बेटे की सगाई में क्या कर रहे हैं। गुरप्रीत अपने चैम्बर में प्रीता से कहती है कि वह उसे सब कुछ बता देगी, लेकिन राजवीर की सगाई सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रीता आश्चर्यचकित हो जाती है और सवाल करती है कि वह उसके बिना इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। गुरप्रीत उसे याद दिलाती है कि शुभ समय जा रहा है और वह गायब है, और करण राजवीर के पिता के लिए समारोह करने की पेशकश करता है। प्रीता गुस्से में है क्योंकि करण ने उसे बेटे की सगाई समारोह की देखरेख की और गुरप्रीत को सूचित किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं आने वाले एपिसोड में करण प्रीता को ढूंढता है और मोहित को कमरे में बंदी महिला के पास ले जाने का आदेश देता है। करण उसे निर्देश देता है कि अगर वह उसे नहीं ले जाना चाहता तो वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। मोहित ने उसे उसकी तलाश करने से मना किया इससे पहले कि करण विवाद करता। उसका फोन बजता है और वह इसका जवाब राखी के नंबर पर देता है। राखी करण को जल्दी घर जाने के लिए सलाह देती है क्योंकि दीदी बीमार है, और करण घबरा जाता है और राखी और निधि से कहता है कि दादी बीमार है, उन्हें जाना चाहिए। राजवीर भी चिंतित है और किसी भी तरह से मदद करने का वादा करता है। बाद में राजवीर को दादी से मिलने की चिंता होती है और वह प्रीता को फोन करके दादी की सांस फूलने और पीड़ा के बारे में बताता है। करण जो दादी को शांत कर रहा है, राजवीर से पूछता है कि वह उसकी माँ को डॉक्टर की तरह क्यों बता रहा है। क्या राजवीर स्वीकार करेगा कि उसकी माँ एक डॉक्टर है? करण से बदला लेने के लिए क्या प्रीता राजवीर की सगाई को गायब करने के बाद शौर्य की सगाई में बाधा डालेगी? क्या होगा, ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।